एक्चुअली हम नाम इसलिए नहीं बताते कि शुरू से ही हम लोगों ने नहीं बताया। अब शुरू से जो हो जाता है, जैसे देखिए मुस्लिम लोग अमूमन लुंगी पहनते हैं, आप इन्हें धोती दीजिएगा तो इन्हें धोती से ऐतराज नहीं है, इन्होंने पहना नहीं है इसलिए एक अजीब सा लगेगा। अब पंडित जी को धोती की जगह लुंगी दीजिएगा तो कहेंगे क्या दे रहे हो, वो गलत नहीं है। जैसे हम जिंदगी में कभी जीन्स नहीं पहने, हमें आप कहिए कि जीन्स पहनो, खान सर कभी जीन्स नहीं पहनेंगे, तो आप एक ट्वीट करा दीजिएगा ये एंटी जीन्स है, जीन्स नहीं पहनता, गलत है यार। ऐसा नहीं, सबकी अपनी अपनी एक आदत बन जाती है। कोई नॉनवेज नहीं खाता है, उसे चिकन दीजिएगा मरेगा नहीं, लेकिन वो नहीं खा पाएगा, अजीब सा उसको लगेगा नहीं किया हमने। अब आप बताइए, मेरा 4 जून को अमेरिका में एक लेक्चर होने वाला है, वो जो भारतीय लोग हैं जो वहां बसे हुए हैं वो भारत के किस काम आ सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, उन लोगों ने लेक्चर दिया, काफी यूनिवर्सिटीज में होगा वो चीज। अब वहां हम जब लेक्चर हुआ तो वहां अमेरिका गवर्नमेंट की जो एम्बेसी है उसने ऑफिशियल मेल किया, बताया कि हमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा नाम चाहिए, तब हम आपको यहां लेक्चर की परमिशन देंगे, ऑनलाइन लेक्चर होगा, हमें जाना नहीं है, वहां हमने दिया है। अब आप बताइए, आप में से कोई उठ के कहेगा कि हम एनआरसी की ओर से आए हैं, खान सर आप अपना पेपर दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, असली नाम बताइए, क्या हम उसको दिखा देंगे? अरे यार, कोई ट्रेन का ड्राइवर आपको आके हम कहेगा टिकट दिखाइए, नहीं दिखाएंगे, आप टीटी ही दिखाता है।